जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लखनऊ में जश्न मनाते देखा गया, क्योंकि पार्टी ने 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव जीता था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी ने 10 में से 8 सीटें जीती और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती है। नतीजों के बारे में बात करते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह पहले से ही तय था कि बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। भाजपा की विजय यात्रा अब 2024 लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर लोकसभा में जारी रहेगी। Good people are not necessarily the best MPs. I am not particularly worried that any of these candidates you mention will pose a major threat to the Congress candidates in those constituencies. I don't think that the BJP is going to win a single seat in Kerala. BJP's support base is limited in our state. Their kind of appeal on the basis of Hindutva and Hindi, Hindu, Hindustan, that's not the kind of message that flies very well here in Kerala. I know Annie Raja. She's a very respectable lady and a very well qualified person to speak for the people, and so are the other candidates. I think the good thing about democracy is when the voters have a choice and they have an opportunity to weigh in balance who should be their best representative in parliament to speak for them and to raise the issues that matter. Good people are not necessarily the best MPs, so we'll have to see what the voters decide. I am not particularly worried that any of these candidates you mentioned will pose a major threat to the Congress candidates in those constituencies. Don't forget, last time also, we had CPI candidates in 4 of those constituencies and we ended up winning all of them. So I'm not particularly alarmed, but it's very good to see good people being put forward. I don't think so. Mr. Panian Ravindran was an MP before me, and my impression is that he didn't particularly have the kind of record that would have made him a worthy candidate for re-election, and the party put forward another candidate against me and not him. So now that they've put him forward again, I think he'll have to explain to the electorate what he would do differently. But to my mind, he's a good person. I have met him many times. And I'd be very happy to have a fair contest against him and whoever the other parties put up. Yes, Mr. District, 2 times PM. प्रधानमंत्री मोदी ने 27 फरवरी को कहा कि देश के पास 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जो वहां अज्ञात विस्तार के अध्ययन में मदद करेगा। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे रॉकेट पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। 2035 तक भारत के पास अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जो हमें अंतरिक्ष के अज्ञात विस्तार का अध्ययन करने में मदद करेगा। अमृतकाल की इस अवधि में भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे रॉकेट पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। उन्होंने आगे कहा कि 21वीं सदी में भारत एक गतिशील वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकासात्मक प्रगति प्रदर्शित कर रहा है। पीएम ने कहा, 21वीं सदी का भारत आज अपनी क्षमता से दुनिया को आश्चर्यचकित कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमने लगभग 400 उपग्रह लॉन्च किए हैं, जबकि उससे 10 साल पहले केवल 33 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। अब हमारे मिशन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और अधिक चैलेंजिंग होगी। हम चंद्रमा की सतह से सैंपल जुटाएंगे और उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर के आएंगे। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में
हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। और इस सफलता के बाद हमने अपने लक्ष्य और ऊंचे कर लिए हैं। अब हमारे मिशन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और अधिक चैलेंजिंग होंगे। हम चंद्रमा की सतह से सैंपल जुटाएंगे और उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर के आएंगे। इसे चांद के बारे में हमारी जानकारी और समझ। कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने 27 फरवरी को दावा किया कि संदेशकाली मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहा को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बंगाल सरकार संदेशकाली में कार्रवाई कर रही है। सीएम ने कार्रवाई का वादा किया है। सरकार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई जारी रखेगी। अब तक 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। संदेशकाली में इस वक्त पूरी टीम मौजूद है। कैंप किए गए है, स्थापित किया गया है, शिकायतें दर्ज की जा रही है और उन सभी को जमीन वापस की जा रही है जो पीड़ित है। पुलिस जांच चल रही है। दो वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं। शेख शाहजहा के प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए यदि बंगाल सरकार शेख शाहजहा को बचाना चाहती थी, क्या वह अपने ही प्रमुख सहयोगियों की गिरफ्तारी करेगी और सलाखों के पीछे डालेगी? किसी को बचाया नहीं जा रहा है, किसी को बचाया नहीं आ रहा है। कोई भी कानून से नहीं बचेगा। टीएमसी और बंगाल सरकार है जमीन पर, वे काम कर रहे हैं और यह विश्वास करने का हर कारण है कि शेख शाहजहा को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। The government of Bengal is acting in Sandeshkhali. The chief minister has promised action. Government is acting and will continue to act. No one is being shielded. No one is being protected. No one will escape the law. Investigation will take place. The law will be upheld and those who are guilty will be brought to book. There is no question of anyone being shielded. Nobody will be spared. The TMC and the Bengal government are on the ground, they are working, and there is every reason to believe that Sheikh Shahjahan will be arrested very soon. Last couple of days in Sandesh Khali, and then the deadline has been given to arrest Sheikh Shahjahan in the next 7 days. The government of Bengal is acting in Sandeshkhali. The chief minister has promised action. Government is acting and will continue to act. So far, over 20 arrests have been made. There is a whole team in Sandeshkhali at the moment. Camps have been set up, complaints are being registered, and land is being returned to all those who are aggrieved. There is a police probe going on. Two senior women police officers are investigating whatever the assaults that have been made on women. Key aides of Shahjahan Sheikh, Uttam Sardar and another aide, have been arrested. They are behind bars. So if the government of Bengal wanted to shield Shahjahan Sheikh, उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने चुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की बेताबी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हर किसी में सरकार के खिलाफ कड़े होने की हिम्मत नहीं होती। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई भी हथकंडा अपनाएगा। उन्होंने चंडीगढ़ में बेईमानी दिखाई है। उन्होंने मतपत्रों और वोटों को नष्ट कर दिया है। यूपी के संदर्भ में बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए सब कुछ किया है और जो भी वहां गया उसमें सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं है। यूपी विधानसभा में मुख्य सचेतक पद से मनोज कुमार पांडे के इस्तीफे पर उन्होंने मीडिया की ओर इशारा करते हुए कहा, आपको बेहतर पता होगा कि कोई क्या है। शायद किसी को सुरक्षा की जरूरत ही हो सकता है कि उसी धमकी मिली हो। कुछ बता दी, बहुत सारी अफवाहें छिड़ रहे हैं। कुछ पैकेज को लेकर भी अफवाह हवा में है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए।
और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से, उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, राज्यसभा इलेक्शंस 2024 के बाद हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है। मंगलवार को एक राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान सत्ताधारी कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के लिए क्रॉस वोटिंग की। 3 निर्दलीय विधायक पहले कांग्रेस को सपोर्ट देने की बात कर रहे थे, लेकिन वोटिंग के दौरान उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। ऐसे में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी हार गए, बीजेपी के हर्ष महाजन जीत गए हैं। क्रॉस वोटिंग के बाद भी दोनों को 34 से लेकर 34 वोट मिले थे, जिसके बाद ट्रास में विजेता का फैसला हुआ। इस जीत के साथ ही हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्कू सरकार के गिरने का खतरा मंडरा रहा है। अब सबकी नजर हिमाचल सरकार के बजट सत्र पर है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में अभी बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अगर बहुमत से बजट पास हो गया तो सुक्कू सरकार बच जाएगी, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से बजट पास नहीं हो पाया तो सरकार वैसे ही गिर जाएगी। अगर देश के महानगरों की बात करें तो राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आज पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 11 पैसे और डीजल 9 पैसे सस्ता हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है। राष्ट्रीय जनता दल के मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। मंगलवार की सुबह 5 बजे ईडी की टीम ने रजत विधायक किरण देवी और उनके पति व पूर्व विधायक अरुण यादव के पाटना तथा आरा स्थित ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। पाटना में दनापुर स्थित मां मर्षिया देवी अपार्टमेंट में भी ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की। ईडी ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की है। आरोप है कि अरुण यादव ने बालू के अवैध कारोबार से काफी संपत्ति जुटाई है। सूत्रों के अनुसार टीम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जांच के बाद साथ लेकर गई है। छापे के दौरान विधायक और उनके पति अरुण आवास पर मौजूद नहीं थे। यहां उनके बड़े पुत्र पप्पू मौजूद थे, जिनसे अधिकारियों ने करीब 16 घंटे तक पूछताछ की। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले असम में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव तक केवल कुछ मुस्लिम विधायक ही कांग्रेस में रहेंगे। विश्वनाथ जिले के गोहपुर में एक कार्यक्रम में सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि रकीबुल हुसैन, रेकीबुद्दीन अहमद, जाकिर हुसैन सिकदर, नरुल हुदा और कुछ अन्य विधायक ही कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। जब हेमंत बिस्वा सरमा ने पूछा गया कि क्या हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता राणा गोस्वामी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इस पर असम के सीएम ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह कांग्रेस के ताकतवर नेता है और अगर वह बीजेपी में शामिल होते हैं तो मैं इसका स्वागत करूँगा।
कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद को उसके प्रोडक्ट्स के बारे में अदालत दिए गए वादे और उनकी औषधि प्रभावकारिता का दावा करने वाले बयानों को उल्लंघन के लिए कड़ी पटकार कही है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। एससी पीटा ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके अधिकारियों को मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में किसी भी दावा प्रणाली के प्रतिकूल कोई भी बयान देने से आगाह किया, जैसे कि उन्होंने पहले अदालत के समक्ष अपने वचन में कहा था। पिछले साल 21 नवंबर को पतंजलि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अब से कानून का कोई उल्लंघन नहीं होगा, विशेष रूप से उत्पादों का विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबोधित और पतंजलि उत्पादों की औषधि प्रभावकारिता का दावा करने वाला या किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई आकस्मिक बयान व दावा किसी भी रूप में मीडिया को जारी नहीं की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यह परिवर्तन लेकर आए हैं कि आज कैश की जगह सब्जी वाले मोबाइल से पेमेंट लेते हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले किसी ने इसकी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया का सपना साकार किया। टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन कार्यक्रम में सरकार के 10 सालों की उपलब्धि गिनाते हुए अमित शाह ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा, हम जन धन लाए, आधार लाए और मोबाइल जाम ट्रिनिटी से हमने डिजिटल इंडिया को साकार किया। कोई इस देश में 10 साल पहले कल्पना नहीं करता था कि सब्जी वाली ठेले पर आपको कहेगी साहब मोबाइल से पेमेंट करो, कैश नहीं लिया जाता है। ये परिवर्तन नरेंद्र भाई लाए।